पूरी दुनिया परेशान थी बारिश के कतरों के लिए। तो ये जो बरस रहे हैं ना दो चार रोज से, जरा पूछो उन किसानों से कि इन बारिश के कतरों से उनके चेहरों पे मुस्कुराहट की कलियां कैसे खिल रही हैं। पूछो मखलूक के खुदा से कैसे गर्मी की शिद्दत से ये परेशान थे, बारिश ने इन्हें सुकून दिया है, इन्हें इत्मीनान दिया है, इन्हें करार दिया है। और रही बात जलसे में बारिश, पूछिए हमने कहा कि नहीं होगी इंशाल्लाह बारिश, ये आले रसूल के नाम का जलसा है, ये औलादे अली के नाम का जलसा है। आज तक बारिश हुई ये भी सदका है मुस्तफा की आल का, और जलसे में कल बारिश नहीं होगी ये भी सदका होगा मुस्तफा की आल का। और नहीं ना हुई बारिश, जलसा हो गया ना कायदे से, जैसी नीयत वैसी बरकत, नीयत अच्छी थी मामला अच्छा ही रहा। अगर जलसा नहीं करते तो कितना अफसोस होता कि नहीं? तो मैंने गुलाम यज़दानी से कहा कि अपने मोहसिन के बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने का जो इरादा कर लिया ना, उससे पीछे मत हटो। इरादा करना तुम्हारा काम है, कामयाब करना रब का काम है, समझ रहे हैं? लेकिन दो बज रहे हैं अभी, बीच में दो तकरीर मेरी हुई हुजूर के साथ, दो बजे तक मेरी तकरीर हो गई, जलसा मुकम्मल, और आज शुरू भी नहीं हुई है। अब वही मैं सोच रहा हूं कि क्या किया जाए। इस रात के दो बजे समाज कमजोर हो जाती है, लोग क्या कहते हैं नींद में होते हैं, सोचते हैं जल्दी खत्म हो तो हम भी घर जाएं। नहीं अभी तो मैंने देखा डेढ़ बजे तक ही सुनते हैं लोग। बहरहाल आपने अपने इलाके के बंगाली जबान के महबूब खतीब हजरत मौलाना असमाउल हक कलीमी साहब से बहुत खूबसूरत और बहुत लंबा खिताब समाप्त किया। उनसे पहले अपनी जामा मस्जिद के इमाम साहब से आपने खिताब समाप्त किया, और बीच में जो रंग चढ़ाया है आपके ऊपर वो शहनशाह तरन्नुम हजरत अरमान हसन हबीबी साहब ने। ये कह रहे थे पूरा खजाना है, पढ़ूंगा तो सुबह हो जाएगी, तो हाथ कंगन को आरसी क्या है, पढ़े लिखे को फारसी क्या है। हमारे माइक छोड़ने के बाद तैयार रहिए। हमारे माइक छोड़ने के बाद तैयार रहिए, क्या दिक्कत है, एक आध कलाम से और इनको फैजयाब कर दीजिए, समझ रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, ये कुर्सी खाली है ना? मैं थोड़ी देर बात करूंगा आपसे, अब बहुत काम की बात करूंगा, करीब आ जाइए, ये कुर्सियों पे आ जाइए, ठीक है? सिमट में आ जाइए, सिमट के आ जाइए, आ जाइए। आ गए ना? बहुत सारा कलाम सुना आपने, नाद के मनकबत के बहुत सारे अशार सुने हैं। एक दो शेर मैं भी सुनाऊंगा, अब पूरी तकरीर उसी पे हो जाएगी थोड़ी देर की। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्म सल्ले अला सैयदना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि
सलातों व सलामन अली के या रसूलल्लाह, सलातों व सलामन अली के या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गमो आलम गुजरे ला, बिल्कुल कटरा शरीफ की खानकाह को तसव्वुर में लाई, अपने पीर के चेहरे को तसव्वुर में लाई, और जिनका उर्स कर रहे हैं उनकी जात तसव्वुर में लाई। और समाप्त कीजिए, गमो आलम गुजरे लाख पछताया नहीं करते, गमो आलम गुजरे लाख पछताया नहीं करते, गमो आलम गुजरे पछताया नहीं करते। अरे गली में सिलसिला वाले तो घबराया नहीं करते, गली में सिलसिला वाले तो घबराया नहीं करते। और ये शेर में पढ़ देता ना तो पूरे मजमे में हंगामा हो जाता, समझ रहे हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, गली में सिलसिला वाले तो घबराया नहीं करते, गली में सिलसिला वाले तो घबराया नहीं करते, और उठा ले खाक थोड़ी सी शहीद ला के रोजे की, उठा ले खाक थोड़ी सी शहीद रोजे की, तबीबा ने जहां जिश को अच्छा नहीं करते, तबीबा ने जहां जिश को अच्छा नहीं करते। अगर उधर ही तवज्जो करनी है तो आप उधर देख लीजिए पहले, ठीक है? इसलिए कि मैं सबको अपना अपना काम करना है, वो प्रशासन है, उनको अपना काम करने दीजिए, अपनी जिम्मेदारी, और आपकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी भाई। शेर समझे नहीं समझे? नहीं समझे? जो बीमार हो किसी डॉक्टर से अच्छा नहीं होता हो, सारी दवा फेल हो गई है ना, सारे हकीम फेल हो गए, सारे एमबीबीएस डॉक्टर, किसी की दवा काम नहीं कर रही है, उसके लिए है कि जाए हजरते दूल्हा मियां के रोजे की खाक लाए, समझ रहे हैं ना, मिट्टी लाए मिट्टी, समझ रहे हैं ना, जिसे दुनिया का मरीज ना अच्छा करे उसे दूल्हा मियां के रोजे की मिट्टी अच्छा कर दे। मैंने वही शेर पढ़ा है लेकिन समझा नहीं आप, सुन लीजिए फिर, उठा ले खाक थोड़ी सी शहीद दूल्हा के रोजे की,
तबीबा ने जहां जिस को अच्छा नहीं करते, तबीबा ने जहां जिस को अच्छा नहीं करते, कलीमी सिलसिला वाले तो घबराया नहीं करते। और मक्का में मारफत देखो जरा अल्लाह वालों का, मक्का में मारफत देखो जरा अल्लाह वालों का, वो आंखें बंद करते हैं मगर सोया नहीं करते, वो आंखें बंद करते हैं मगर सोया नहीं करते, कलीमी सिलसिला वाले तो घबराया नहीं करते। नबी की गुलशन निस्बत में जो भी फूल खिलते हैं, नबी की गुलशन निस्बत में जो भी फूल खिलते हैं सदा बाद रहते हैं, सदा बाद रहते हैं, वो मुरझाया नहीं करते, सदा बाद रहते हैं, वो मुरझाया नहीं करते, कलीमी सिलसिला वाले तो घबराया नहीं करते। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात, हमेशा एक सवाल होता है कि तुम अल्लाह के वलियों के मजार पे जाते क्यों? होता है ना सवाल, तुम बुजुर्गों के मजार पे क्यों जाते, तुम अल्लाह के नेक बंदों के मजार पे क्यों जाते? अगर आपसे किसी ने ये पूछ दिया तो आप क्या जवाब देंगे? आज तकरीर यहीं से शुरू हो रही है, कभी कभी तकरीर सुना मत कीजिए, तकरीर समझाइए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। एक हिस्सा, अरे इधर सुनिए ना बाबा, और दूसरा हिस्सा, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। खिताब किससे है? ईमान वाले से। खिताब किससे है? मोमिन। खिताब किससे है? जो कलमा पढ़ता है। खिताब किससे है? जिसका ईमान अल्लाह की वहदानियत पर है,
जिसका ईमान रसूल की रिसालत पर है, जिसका ईमान कुरान की सदाकत पर है, जिसका ईमान कयामत के दिन के हक होने पर है, उन मोमिनों से खिताब है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। अब बताइए ईमान वालों से डरने का हुक्म। अब जब ईमान वाला अल्लाह से डरेगा तो नमाज पढ़ेगा। अल्लाह से डरेगा तो रोजा रखेगा कि नहीं? अल्लाह से डरेगा तो जकात देगा कि नहीं? अल्लाह से डरेगा तो हज करेगा कि नहीं? अल्लाह से डरेगा तो गुनाहों से बचेगा कि नहीं? अल्लाह से डरेगा तो शराब से बचेगा कि नहीं? अल्लाह से डरेगा तो चोरी से बचेगा कि नहीं? अल्लाह से डरेगा तो जिना से बचेगा कि नहीं? अल्लाह से डरेगा तो अय्याशियों से बचेगा कि नहीं? अल्लाह से डरेगा तो झूठ से बचेगा कि नहीं? तो जब अल्लाह से डरेगा तो नमाज भी पढ़ेगा, अल्लाह से डरेगा तो रोजा भी रखेगा, अल्लाह से डरेगा तो जकात भी देगा, अल्लाह से डरेगा तो हज भी करेगा, अल्लाह से डरेगा तो गुनाहों से बचेगा, अल्लाह से डरेगा तो नेक अमल करेगा, अल्लाह से डरेगा तो वही काम करेगा जिसका हुक्म रब ने दिया। तो जब नमाज भी पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा, हज भी करेगा, जकात भी देगा, अमल साले भी करेगा, तो फिर आखिर कुरान में वो कुनू मा सादिकीन कह के ये क्यों कहा कि सच्चों के साथ हो जाओ? जरा जोर से बोले और जोर से। आखिर कुरान में सच्चों के साथ होने का हुक्म दिया, सच्चों के साथ जाने का हुक्म क्यों दिया? अरे मालदा वालों और सरकार दूल्हा मियां के उर्स में बैठने वालों, इसी को समझो। बहुत मेहनत कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारी मेहनतों को कबूल फरमाए। बैठो, बिल्कुल बैठ जाओ। अब तकरीर सुनो कम से कम कल, ताकि कोई पूछे तो ये मत कर कि मैं कहां कुछ सुना। अक्सर जलसे वालों के साथ यही होता है, वो कहां सुनते हैं, हम तो काम में थे, इंतजाम में थे बस। इसलिए अब सुनो, समझ में आ रही है तकरीर? अब मुझे बंगाली बोलने नहीं आती। आपको उर्दू ही समझना पड़ेगा। अब ये बात सही है कि नहीं? जब ईमान वाला है, अगर जब अल्लाह से डरेगा तो नमाज भी पढ़ेगा, अल्लाह से डरेगा तो रोजा भी रखेगा, अल्लाह से डरेगा तो हज भी करेगा, अल्लाह से डरेगा तो जकात भी देगा, अल्लाह से डरेगा तो गुनाहों से भी बचेगा, अल्लाह से डरेगा तो अच्छा काम भी करेगा, तो जब सब करेगा तो फिर सच्चों के साथ रहने का हुक्म। सच्चों के साथ रहने का हुक्म क्यों? इसी को समझ लीजिए, उनका जवाब भी हो जाएगा। जो लोग कहते हैं मजारों पे जाते क्यों, जो कहते हैं उर्स मनाते क्यों, जो कहते हैं वलियों के मजार पे चादर चढ़ाते क्यों, जो कहते हैं वलियों के नाम का जलसा करते क्यों,
उनका जवाब भी हो जाएगा। तो सुनिए, नमाज पढ़ेंगे ठीक है, रोजा रखेगा ठीक है, जकात देगा ठीक है, हज करेगा ठीक है, लेकिन किसी मुसलमान को ये पता नहीं रहता हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई, हमने रोजा रखा तो हमारा रोजा कबूल हुआ कि नहीं हुआ, हमने जकात दिया हमारी जकात को मकबूलियत का दर्जा मिला कि नहीं मिला, हमने हज किया लेकिन हमारे हज को अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया। इसीलिए हम सच्चों की बारगाह में जाकर सच्चों का दामन थामकर अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला तूने नमाज फर्ज किया, हमें जैसे नमाज पढ़ने आता था वैसे हमने पढ़ लिया, तूने रोजा फर्ज किया जैसे रोजा रखने आता था वैसे हमने रोजा रख लिया, तूने ज़कात फर्ज किया जैसे देने आता था वैसे हमने ज़कात दे लिया, तूने हज को फर्ज किया जैसे हज करने आता था हमने हज को कर लिया। मौला लेकिन पता नहीं तूने मेरे सजदे को कबूल किया कि नहीं, तूने मेरी नमाज को मकबूलियत का दर्जा दिया कि नहीं, तूने मेरे रोजे को कबूल किया कि नहीं, तूने मेरे हज को कबूल किया कि नहीं, तूने मेरी ज़कात को कबूल किया कि नहीं। मौला अगर नहीं कबूल किया है तो हम गौसे आज़म को तेरी बारगाह में वसीला बना के लाते हैं, ऐ मौला गरीब नवाज को तेरी बारगाह में वसीला बना के लाए हैं। मौला हमारी नमाजों को कबूल फरमा, हमारे सजदों को कबूल फरमा, हमारे रोजे को कबूल फरमा, हमारी ज़कात को कबूल फरमा, हमारे हज को कबूल फरमा, तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के वसीले से हमारी नमाजों को कबूल फरमाएगा, हमारे रोजे को कबूल फरमाएगा, हमारी ज़कात को कबूल फरमाएगा, हमारे अमल सालेह को कबूल फरमाएगा। वसीला बना के लाए हम वसीला बना के लाए हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई कैसे, तो जरा देखिए हजरत गरीब नवाज की बारगाह में चलिए, जरा जोर से बोलिए ना, सिलसिले कलीमिया असल में सिलसिले चिश्तिया है, तो जरा चलिए ना गरीब नवाज की बारगाह में। हजरत गरीब नवाज के ताल्लुक से हजरत शेख सादी लिखते हैं, हजरत शेख सादी लिखते हैं कि हजरत गरीब नवाज एक मर्तबा हज के लिए तशरीफ ले गए। ये कह बताना चाहता हूं कि अल्लाह एक नेक बंदे की वजह से पूरी कौम के अमल सालेह कबूल फरमाता है। गरीब नवाज गए तो तवाफ के दौरान एक हाजी को देखा जिसके बाल बिखरे हैं, बाल बिखरे हैं, लगता है बहुत लंबे सफर से आया, आंखों में आंसू है, जैसे सारे हाजी कहते हैं ना तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मौला मैं हाजिर हूँ, मौला मैं हाजिर हूँ, मौला मैं हाजिर हूँ। हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैंने उस हाजी को देखा कि वो भी कह रहा है अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लेकिन और किसी हाजी का जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन उसके लब्बैक के जवाब में अल्लाह की तरफ से जवाब आ रहा है। और जवाब क्या रहा है, लाल लब्बैक तू हाजिर नहीं, तू हाजिर नहीं है। अब बताओ किसी हाजी को लब्बैक के जवाब में लाल लब्बैक मिल जाए तो बताओ उसके पैर के नीचे की जमीन खिसकेगी कि नहीं। मैं इतना पैसा खर्च किया, इतना लंबा सफर किया, घर छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, सबको छोड़कर मैं यहाँ आया इबादत के लिए, बंदगी के लिए, तवाफ के लिए, मुजदलफा में क्याम के लिए, मीना में कुर्बानी के लिए, अरफात में इबादत के लिए, सफा और मरवा की सई के लिए, और मेरा रब मेरी हाजिरी को कबूल नहीं कर रहा, गोया कि मेरे पैसे पानी में चले गए, मेरी मेहनत अकार चली गई, सोचेगा नहीं। गरीब नवाज कहते हैं मैंने देखा वो बोलता जा रहा है अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और रब की तरफ से जवाब आ रहा है बंदे तू हाजिर नहीं, ला लब्बैक तू हाजिर नहीं।
तवाफे काबा किया, वहां पर भी यही हालत। वहां से सफा मरवा की सही ले गया, वहां भी ऐलान कर रहा है, अल्लाह का जवाब आ रहा है, बंदे तू हाजिर नहीं है। वहां से मुज़दलिफा गया, वहां भी यही हालत है। वहां से मिना गया, वहां भी यही हालत है। मैदाने अरफात गया, वहां भी यही हालत है। हजरत करीम नवाज कहते हैं कि मैंने उस हाजी को अरफात की भीड़ से बाहर निकाला और निकालने के बाद मैंने कहा, तू कैसा हाजी है? कहा क्या हुआ? कहा मैं पीछे पीछे तेरे देख रहा हूँ, मैदाने अरफात से मैदाने अरफात तक, वहाँ तवाफे काबा से लेके यहाँ तक, जहाँ जहाँ तू जाता है पीछे पीछे मैं भी जाता हूँ, तवाफे काबा करता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगा रहा है, लेकिन अल्लाह का जवाब आता है, तू हाजिर नहीं है। सफा मरवा की सही करता है, यही जवाब आ रहा है। मैदाने मिना में कुर्बानी करता है, यही जवाब आ रहा है। मुज़दलिफा में कयाम कर रहा है, यही जवाब आ रहा है। मैदाने अरफात में इबादत कर रहा है, यही जवाब आ रहा है। बंदे जब तुझे तेरी हाजिरी को रब ने कबूल नहीं किया तो आखिर तू है क्यों, चला क्यों नहीं जाता, घर चला जा। तो वो हाजी मुस्कुराया। गरीब नवाज कहते हैं वो हाजी मुस्कुराया और मुस्कुरा के वो हाजी कहता है कि मोइनुद्दीन ये बताओ, तुम इस हालत में मुझे कितने साल से देख रहे हो? जरा जोर से, इस हालत में मुझे कितने साल से देख रहे हो? गरीब नवाज फरमाते हैं फर्स्ट पहला साल है। बस पहला साल। तो वो हाजी कहता है सुना, मेरे साथ ये मामला लगातार 24 साल से हो रहा है। जरा जोर से, मेरे साथ मामला कितने साल से हो रहा है? 24 साल से। गरीब नवाज ताज्जुब में पड़ गए। एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल नहीं, लगातार 24 साल से तुम आ रहे हो और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद कर रहे हो, रब का जवाब आ रहा है, तू हाजिर नहीं। तो वो हाजी मुस्कुरा के कहता है, मोइनुद्दीन क्या ये मेरे लिए ये एजाज की बात नहीं है? ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं है कि अल्लाह ने मुझे याद तो रखा? एक बंदे के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी कि रब ने ला लब्बैक के जरिए ही मुझे याद तो रखा है। चला क्यों नहीं जाता? का क्यों जाऊं? मैं आता रहूंगा, वो कहता रहे। अब गरीब नवाज चूके अल्लाह के वली, हम जैसे आप जैसे तो थे नहीं, फौरन मुराकबा किया। अब मुराकबा करके अपने मौला से पूछ लिया, परवरदिगार ये मोहम्मद समझ में नहीं आता, ये राज समझ में नहीं आता, ये हिकमत समझ में नहीं आती, मौला ये क्या हो रहा है? ये 24 साल से तेरी बारगाह में हाजिरी दे रहा है, अब तू कहता है कि तेरी हाजिरी नहीं, तू हाजिर ही नहीं है। मौला ये मामला क्या है? अल्लाह से की तरफ से आवाज आती है, मोइनुद्दीन तुम भी इससे हटो, ये मेरे और मेरे बंदे का मामला है, ये मेरे और मेरे बंदे का मामला है। गरीब नवाज कहते हैं, मौला बता दे, रात से पर्दा उठा दे, बेचैन दिल को चैन आ जाए, बेकरार दिल को करार आ जाए, दिलों को सुकून मिल जाए। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मोइनुद्दीन सुन सुन सुन, इस बंदे की हाजिरी मुझे अपनी बारगाह में इतनी पसंद है, इतनी ज्यादा पसंद है कि अगर मैं कह दूं कि तेरी हाजिरी कबूल है तो ये चला जाएगा। अब मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि ये चला जाए, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि ये चला जाए,
इसीलिए 24 साल से ये लब्बैक की सदाएं बुलंद करता है और जवाब में ला लब्बैक कहता हूं। और मोइनुद्दीन एक बात और सुन लो, 24 साल से मैंने जितने हाजियों के हज को कबूल किया है इसी की हाजिरी की वजह से कबूल किया है, इसी की शिरकत की वजह से कबूल किया है, इसी के लब्बैक की वजह से कबूल किया है। पता चला राम अल्लाह अल्लाह अपने एक बंदे की वजह से अपने सारे बंदों के आमाले सालिहा को कबूल फरमाता। समझ रहे हैं? उसी सिलसिले के चश्मो चिराग को हजरत दूल्हा मियां रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उसी सिलसिले के चश्मो चिराग को हजरत मसरूर मियां कहते हैं, उसी सिलसिले के चश्मो चिराग को हजरत मसूद मिल्लत कहते हैं। मालदा वालों, बड़े खुश नसीब हो कि तुम्हारे हाथ में आले नबी का दामन, औलादे अली का दामन है, फरजंदे गौसे आजम का दामन है ना? तो जिसके हाथ में औलादे अली का दामन हो, औलादे गौस का दामन हो, वो इस तरीके से खामोशी के साथ अपना काम अपना जुगाड़ लगाए रहे, अच्छा लगता है। अरे हम देखे ना देखे, कोई देखे ना देखे, हाँ लेकिन मजार वाले तो देख रहे हैं, मजार वाले तो देख रहे हैं, चूंकि यही हमारे लिए जरिया है, ये हमारे लिए वसीला है, समझ रहे हैं? और आज कुछ लोग वसीला के भी खिलाफ चलते हैं। मैं ऐसी बात बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा, और जो बोलेगा उसको ठोक दीजिएगा, मतलब मार मत दीजिएगा यार, नहीं तो जलवा चला जाएगा, यानी कि जवाब ठोक दीजिएगा, क्या बाबा जवाब ठोक दीजिएगा, बता दें, घबरा तो नहीं, नहीं नहीं घबरा रहे हैं, जरा जोर से बोलिए ना या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अच्छा आप यहाँ जनाजा पढ़ते हैं? लोग पढ़ते हैं ना। अच्छा कभी बच्चे को मरते देखा है? नाबालिग बच्चा, छोटा बच्चा, बच्चा हो चाहे बच्ची, है ना? तो बच्चे के जनाजे में जाते होंगे आप लोग? जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जवान की दुआ जनाजे की अलग और बच्चे की अलग की एक ही है? अलग अलग है, याद है? जनाजा के दिन इमाम साहब बताएंगे तो याद कर लेंगे। ईद की नियत भी उसी दिन याद करेंगे, बकरीद की नियत भी उसी दिन, जनाजे की नियत भी उसी दिन। आज तक इस कौम को जनाजे की नियत याद है, हर जनाजे में नियत जरा बता दी, जिंदगी भर याद ना हुई, इतना बड़ा जहीन है कि उसी वक्त याद हो जाए। सोच लीजिए आप, जिंदगी भर इमाम जनाजे की नियत बताता रहा, ईद की नियत बताता रहा, ईद की नमाज का तरीका बताता रहा, मिट्टी देने की दुआ बताता रहा, लेकिन आज तक इस कौम को जनाजे की नियत याद नहीं। तो जब जनाजे की नियत याद नहीं तो जनाजे की दुआ कहां से याद आती है? लेकिन सुनिए, बहुत जबरदस्त जवाब है। अगर कोई कहे, लोग कहते भी है ना, अरे मजार वाले क्यों जाते हो मजार पे, मर के मिट्टी में मिल गए वो तो कब्र में चले गए, वो तो खत्म हो गए, वो उनका जो अकीदा है, वो जो कहते हैं वही मैं दोहरा रहा हूं। उनको आप कहोगे उनको वसीला, अरे वो खत्म हो गए, उनसे क्या फायदा होने वाला, यही ना कहते हैं, उनसे क्या फायदा होने वाला। मैंने कहा बेटा तुझे भी फायदा होगा, जाके तो देख। अरे जाके तो देख, तुझे भी फायदा होगा। और सुनिए, और ये मुस्तनद बात है, भागलपुर का एक गरीब नवाज का दीवाना बात आ गई है, देखिए फौरन
भागलपुर का एक गरीब नवाज का दीवाना हर साल छठी शरीफ में अजमेर जाता, गरीब नवाज की बारगाह में जाता, हाजिरी के लिए जाता। था गरीब लेकिन मोहब्बत थी गरीब नवाज से, था गरीब लेकिन प्यार था गरीब नवाज से, था गरीब लेकिन इश्क था गरीब नवाज से। जो ही छठी शरीफ का वक्त आता, रक्त सफर बांध लेता अजमेर के लिए। कहां जा रहे हो? गरीब नवाज के दर पे जा रहा हो, सुल्तानुल हिंद के दयार में जा रहा हो, मुस्तफा की अता की बारगाह में जा रहा हो, अताए रसूल की बारगाह में जा रहा हो। उसी दीवाने के घर के बगल में एक वहाबी रहता है। एक किताब में है, ये किताब में एक वहाबी रहता था। अकीदे के एतबार से वो वहाबी था। उसने गए पागल उगल हो गए हो, घर में खर्चा नहीं है, और चले जाते हो हर साल हजारों रुपया खर्च करने के लिए, समझ रहे ना? गरीब नवाज क्या है? उसने कहा खर्चा मेरा होता, तेरे पेट में दर्द होता। गरीब नवाज मेरे हैं, हमें बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं, टेंशन तुझे क्यों? टेंशन अच्छा तुम कहते हो गरीब नवाज देते हैं, बिल्कुल देते हैं, देते भी हैं, दिलाते हैं। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, जरा मांग के तो देख, जरा अर्ज करके तो देख। अरे जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, दरे हबीब से बंदे को क्या चाहिए? अच्छा देते हैं, हां हां ऐसा करना, आने वाले साल जब उसका मौका आए तो मुझे भी ले चले चले। उसने कहा लेकिन सुनो, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि गरीब नवाज देंगे, बल्कि गरीब नवाज का इम्तिहान लेने जाऊंगा कि देखता हूं कि गरीब नवाज देते हैं कि नहीं। समझे ना? गरीब नवाज देते हैं कि नहीं? ठीक है, आने वाला साल आया, बोले चलेगा? कहा चलो चलो, तेरे गरीब नवाज का इम्तिहान लेता हूँ, साथ में चला। जैसे मजारे गरीब नवाज पे ये दोनों पहुंचे, एक आशिक था एक वहाबी था, एक आशिक था एक मुनकिर था। देखा कि फकीर है, हाथ में लाठी है और मजार का चक्कर लगा रहा है, और गरीब नवाज से कहता है, गरीब नवाज ये देख मेरी लाठी, 5 रुपया लूंगा और एक ही आदमी से लूंगा और एक घंटे के अंदर लूंगा, और नहीं दिया तो देख मेरी लाठी, तेरे मजार की खैर नहीं, तेरे गुंबद की खैर नहीं, तेरे जालियों की खैर नहीं, तेरे दरबार की खैर नहीं। वो चक्कर लगा रहा है, दीवानों की तो कमी नहीं है ना, वो चक्कर लगा रहा है, गरीब नवाज को धमकी दे रहा है, ये वहाबी टुकुर 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 देख रहा है। और इसको बड़ा मजा का, अब अच्छा मौका है गरीब नवाज का इम्तिहान लेने का। कहे रुको देखो, ये मांग रहा, देखता हूँ एक घंटा के अंदर इसे मिलता है कि नहीं, इसे मिलता है कि नहीं, नहीं मिलेगा तो मैं जीत गया, समझ रहे हैं? एक घंटा तक वो चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा। जब एक घंटा हो गया ना, एक घंटा हो गया तो पहुंचा उस फकीर के पास और कहता है, कहां से तुम्हें देंगे गरीब नवाज? गरीब नवाज तो माजल्ला मर के मिट्टी में मिल गए, ले मैं तुझे 5 रुपया देता हूं, ले 5 रुपया मैं देता हूँ। 5 रुपया फकीर ने अपने जेब में रखा और जोर जोर से चक्कर लगाने लगा और कहने लगा, सुल्तानुल हिंद तेरी अता का जवाब नहीं है, तेरी सखावत का जवाब नहीं है, तेरे देने का जवाब नहीं है। अरे हमेशा तो अपनों से दिलाता ही है, कभी कभी दुश्मनों से दिलाता। कभी कभी दुश्मनों से भी दिला देता है। अल्लाह अल्लाह, मेरा गरीब नवाज है जो सुल्तान है, बादशाह है पूरे मुल्क का, समझ रहे ना? तो मैं कह ये रहा था कि जाके देखो ना कि मिलता कैसे नहीं है। ये दुनिया इतनी मतलबी है कि कोई किसी के पास, कोई किसी को सलाम भी करता है ना तो मतलब के लिए करता है।
अगर बेटे को बाप से पैसा लेना होगा ना तो सलाम करेगा, अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या है मोबाइल में रिचार्ज कराना है, बैलेंस खत्म हो गया है। माँ को सलाम करेगा तो मतलब के लिए, बीवी शोहर को सलाम करेगी तो मतलब के लिए, है ना, शागिर्द उस्ताद को सलाम करे तो मतलब के लिए, मुरीद पीर को सलाम करे तो मतलब के लिए। कोई किसी को बगैर मतलब के 5 रुपए की चाय नहीं पिलाता, और दीवाना हिंदुस्तान का और पूरी दुनिया का गरीब नवाज के दर पे हाजिरी देने के लिए आता है हजारों खर्च करके बगैर मतलब के। बिल्कुल एकदम हाजिरी, एकदम हाजिरी। और देखिए सच्ची बात बताऊं, एक मतलब आज से 10-15 साल पहले उदयपुर में एक जलसा था 4 मुहर्रम शरीफ को, और 5 को मैं गरीब नवाज की बारगाह में आ गया, क्योंकि अच्छा मौका था मेरे पास हाजिरी का। तो हजरत सैयद सुल्तान साहब है, सैयद सुल्तान साहब उनके यहाँ मेरा कयाम था, तो वहाँ एक मौलाना साहब मिले, सुबह सुबह पहुंचा हजरत बल्ला, ये स्टेज है और सरकार गरीब नवाज मुलाहिजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हजरत आज रात एक गरीब नवाज की करामत सामने आई, हम लोगों ने मुलाहिजा किया, करामत कहा, क्या बताइए क्या हुआ, का एक फकीर था ना, वो 3 दिन से भूखा पड़ा था मजारे गरीब नवाज, कहता था क्या बाबा तू अपने हाथ से खिलाएगा लड्डू तब खाऊंगा, वल्लाह कह रहा हूँ। उसने कहा कि गरीब नवाज के बारगाह में 3 दिन से पड़ा है, कह रहा था नहीं खाऊंगा, खाऊंगा तो तेरे हाथ से खाऊंगा, मर जाऊंगा मेरी बदनामी नहीं तेरी बदनामी होगी, तेरे दरबार की बदनामी होगी, हाँ इसलिए तू खिलाएगा अपने हाथ से तब खाऊंगा। वल्लाह अचानक उसकी आंख लगी, ख्वाब में गरीब नवाज आए, हाथ में लड्डू है का मुंह खोल, मुंह खोला, मुंह खोला, गरीब नवाज ने अपने हाथ से उसके मुंह में लड्डू रखा, जब आंख खुली तो आधा लड्डू मुंह के अंदर, आधा लड्डू मुंह के बाहर। ये मेरा गरीब नवाज है, खबरदार कुछ बोलने की कोशिश ना करना, हिंदुस्तान की सल्तनत की जिम्मेदारी गरीब नवाज की है, और गरीब नवाज किसी के वोट से सुल्तान नहीं बने, मुस्तफा की अता से सुल्तान। कहे ना कि अल्लाह वालों की बारगाह में क्यों जाते हो, तो उसको सीधा सारा जवाब देना, कहिएगा जनाजा पढ़ते हो, और कभी नाबालिग या किसी छोटे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ी तुमने, कहेगा हाँ पढ़ी, का क्या दुआ पढ़ते हो, पूछिए इमाम साहब से, अल्लाहुम्मा जहोलना फरता वाजहोलना अजरुम बजुखरा वाजहोलना शाफियाउ मुशफा। हम अब ये मालूम है इसका 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 तर्जमा क्या है, सामने जनाजा है, आप जनाजा पढ़ रहे हैं तो दुआ करते हैं, या अल्लाह ये जो बच्चा गया है ना मुझसे पहले, इसको मेरे लिए जखीरा बना दे, इसको मेरे लिए अज्र बना दे, इसको मेरे लिए शफाअत करने वाला बना दे। मुशफ्फा उसे कहते हैं जिसकी शफाअत कबूल की जाती है, इसको मेरे लिए शफाअत करने वाला बना दे। अच्छा वो बच्चा जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी, हमेशा बच्चों का इंतकाल होता है, वो किसी बेनमाजी का बेटा है, किसी बेरोजेदार का बेटा है, किसी शराबी का बेटा है, किसी जुआड़ी का बेटा है, किसी जानी का बेटा है, किसी अय्याश का बेटा है, किसी गुनहगार का बेटा है, जब वो मर जाता है दुआ क्या पढ़ते हैं, ऐ अल्लाह इस बच्चे को हमारे लिए अज्र बना दे, इस बच्चे को हमारे लिए जखीरा बना दे, इस बच्चे को हमारे लिए शफी बना दे। अरे एक बेनमाजी का बच्चा मरने के बाद हमारा शफाअत करने वाला हो सकता है, तो गरीब नवाज का बेटा पादे विसाल हमारी शफाअत क्यों नहीं। अब बताओ मजार वाले को वसीला, यही तो वसीला,
इसी को तो वसीला कहते हैं ना। अब कहते हो या अल्लाह इस बच्चे को हमारे लिए जखीरा बना दे, अज्र बना दे, मेरा शफी बना दे, मौला शफात करने वाला बना दे। बच्चा मर गया, नमाजें नहीं पढ़ी थी, बच्चा मर गया, रोजा नहीं रखा था, बच्चा मर गया, जकात नहीं दिया था, बच्चा मर गया, हज नहीं किया था, बच्चा मर गया, कोई अमल अच्छा नहीं किया था, वो नाबालिग था, लेकिन आप दुआ में पढ़ते हो उसको शफी बनाने की दुआ, उसको अज्र बनाने की दुआ, उसको जखीरा बनाने की दुआ। अरे जब एक नाबालिग बच्चा हमारे लिए जखीरा हो सकता है तो कटरा का आले रसूल क्यों नहीं हो सकता? समझ रहे हैं? अब बताओ वसीला जायज है कि नहीं? तकरीर सुनो कम समझो ज्यादा। जहां समझना जिस दिन शुरू करोगे ना तकरीर को, उस दिन मौलवी 6:30 के गले में ना छुछुंदन ने लटका दिया तो नाम हमारा नहीं। हम नाम नहीं लेते हैं, मौलवी 6:30 कहते हैं हम। हाँ तो आ गया समझ में कि अल्लाह वालों की बारगाह में हम जाते क्यों हैं उनकी। अरे हमारे हमारी आपकी क्या औकात है मियां? अच्छा आइए आइए पीर मुरीद, पीर मुरीद एक शोसा जरा सा थोड़ी सी बात पीर मुरीद पे हो जाए। हाँ आप भी किसी के मुरीद हैं, हम भी किसी के मुरीद हैं ना, और हम तो पीर वाले हैं मियां। ये अलग बात है कि आज पीर टोकरी का टोकरी घूम रहा है, पीरों की कमी नहीं है। ऐसा ऐसा पीर घूमेगा मस्त मस्त। ये बाप रे बाप, पीर बनने में ही तो बहुत फायदा ना है। मौलवी पसीना चुगा चुगा के पैसा कमाता है बेचारा, महीना दिन इमामत करेगा, पीर साहब को पैसा लगता है? लगता है नहीं। मैंने 9 मुहर्रम के जलसे में कहा था कि पीर, हमने अक्सर पीरों को देखा, वो जीता है अपनी औलाद के लिए, वो जीता है तो बिल्डिंग बनाता है, वो जीता है तो घर बनाता है, वो जीता है तो दुकान बनाता है, वो जीता है तो गाड़ियां खरीदता है, वो जीता है तो अपने बच्चों का भविष्य संवारता है। लेकिन एक ऐसा पीर जिसे मसूद मिल्लत कहा जाता है, वो ऐसा पीर है जो अपनी बिल्डिंग नहीं बनाया है बल्कि कौम के बच्चों के लिए नबी का घर मदरसा बनाया है। समझ रहे? तो ये सच्ची बात है। यहाँ तो एक मदरसा चलाना मुश्किल है, लेकिन वाह रे दीवानों, आप भी कम नहीं हो यार। मैं आपको सलाम करता हूँ कसम खुदा की। मैंने बहुत से मुरीदों को देखा, बहुत पीरों के मुरीदों को देखा। इधर पीर साहब सामने से गायब, उधर मुरीद साहब गायब, लेकिन वाह रे सिलसिले कलीमिया से अपने आप को जोड़ने वालों, तुम्हें सलाम करता है फकीर। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तुम तुम्हारा पीर तो लाजवाब है, लेकिन मोहब्बत में तुम भी लाजवाब हो। समझ रहे हैं? मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ, तुम्हें मुबारकबाद ही पेश करता हूँ कि तुमने अपने पीर से सच्ची मोहब्बत की है। सही बोला कि नहीं? झूठ जान तो नहीं बोले? इसलिए कि ये कैमरे वाले ना ये पूरी दुनिया में बात पहुंचा देते हैं। अब गड़बड़ सबड़ बोल के हम जा नहीं सकते। देखिए आज भी पीर हैं, आज भी मुरीद हैं। एक एक पीर मैं दिखलाता हूं और एक मुरीद दिखलाता हूं। पीर का नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही। ये भी सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हैं। और मुरीद का नाम है हजरत अमीर खुसरू। आहा, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। न उस पीर का जवाब है, न उस मुरीद का जवाब है। समझ रहे हैं? और मुरीद ऐसे, मुरीद ऐसे कि पीर ने कहा था अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं और खुसरू एक ही कब्र में दफन होते। समझ रहे हैं? ये कब कहा था? इसी बंगाल के फतह के बाद। जोर से बोले, जोर से। बंगाल वालों बड़े खुश नसीब हो, तुम्हें हजरत अमीर खुसरू ने फतह किया है।
इसी बंगाल को फतह करके चले थे सिपाहियों के साथ। दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। रात के सन्नाटे में अचानक एक मुसाफिर खाना नजर आया। मुसाफिर खाने की तरह रुक करके कहते हैं, बुए शेख भी आया, मुझे पीर की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा, हुजूर दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है, कहां पीर साहब की खुशबू? अरे दिल्ली तो बहुत दूर है, इतनी दूर से पीर की खुशबू कहां से आ रही है? लेकिन वाहरे मुरीद वो दौड़ते जा रहे हैं मुसाफिर खाना की तरफ, वो दौड़ते जा रहे हैं सराय की तरफ, और ये कहते जा रहे हैं, मुझे पीर की खुशबू आ रही है, बुए शेख की आयत, मुझे पीर की खुशबू आ रही है। पीछे पीछे सिपाही चले हैं, आगे आगे अमीर खुशरू दौड़ते जा रहे हैं और सराय में पहुंचते हैं। एक मुसाफिर के पास पहुंचे जो एक कोने में चादर ओढ़े सो रहा था। उस मुसाफिर को जगाया, जगाने के बाद कहा, ये बता तू कहां से आ रहा है, ये बता तू कहां से आ रहा है। मुसाफिर ने कहा, बहुत थका हूं मैं, सोने तो दो। कहा, इतना बता दे तू आ कहां से रहा है, इतना बता दे तेरा सफर कहां से शुरू हुआ है, आ कहां से रहा है। कहा, दिल्ली से आ रहा हूं। कहा, दिल्ली में कहां से आ रहा है? कहा, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से आ रहा हूं। कहा, क्यों गया था? कहा, बेटी की शादी थी, बेटी की शादी करनी है। गरीब हो, परेशान हाल हो, सुल्तान हजरते महबूबे इलाही का मुरीद हो, लेकिन आज के दौर में समाज बेटी वालों को जीने नहीं देते। एक दिन बीवी ने कहा, अगर जाना चाहते हो तो पीर के पास चले जाओ, पूरी दुनिया उनके नाम पे पलती है, तुम भी कुछ लेके चले आओ महबूबे इलाही से, बेटी की शादी हो जाएगी। कहा, फिर क्या हुआ? कहा, एक दिन नहीं, हफ्तों दिन रहा। चलते चलते हजरत महबूब इलाही ने एक टूटा हुआ जूता दे दिया। कहा, जा इस जूते को जब आया है तो लेके चला जा, यही जूता मिला है, लेके जा रहा हूँ। अब वो टूटे जूते का मामला क्या है? जो पहनने के भी काम ना आवे, जो बेचने के भी काम ना आवे। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं, ऐ मुसाफिर ये बता, वो टूटा हुआ जूता बेचेगा क्या? वो मुसाफिर कहता है, मियां मजाक करते हो, कोई टूटा जूता भी खरीदता है क्या? अगर लेना हो तो ऐसे ही ले लो, और बेचने की और खरीदने की जरूरत क्या है? हजरत महबूब इलाही का मुरीद कहता है, लेना हो तो ऐसे ले लो। अमीर खुसरू कहते, नहीं कीमत बोलो, नहीं कीमत बोलो। कहा, फिर कीमत की बात कर रहे हो और फिर मुंह मांगी बात कर रहे हो? अरे टूटे जूते की कोई कीमत मुंह से मांगता है क्या? जो देना हो दो लो। हजरत महबूब इलाही का मुरीद अमीर खुसरू फरमाते हैं, ऐ मुसाफिर मेरे पास अभी सफर में ज्यादा पैसे नहीं है, सिर्फ 5 लाख सोने के सिक्के। कितने? 5 लाख सोने के सिक्के हैं, अभी ये ले लो और दिल्ली का पता नोट करो, जब जब ही दिल्ली आना तो इस जूते की मुंह मांगी कीमत मुझसे लेके जाना। वो कहता है, कैसी बात करते जनाब, 5 लाख रुपए भी कोई देता है क्या टूटे हुए जूते की कीमत? 5 लाख सोने के सिक्के देता है क्या? कम मैं देता हूँ, तुम यकीन मानो मैं मजाक नहीं कर रहा। का ऐसी बात है तो सुनो, ऐसी बात है तो देखो, मैं अकेला लेके नहीं जा सकता, डाकू लूट लेंगे, मेरे घर पहुंचवा दो। तो हजरत अमीर खुसरू ने उस 5 लाख सोने के सिक्के को उस गरीब के घर पहुंचवा दिया, ताकि उस गरीब की बेटी की शादी हो जाए। अब यहां पर मैं देख रहा, यहां पर रुक कर मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब टूटा हुआ जूता उस गरीब को महबूब इलाही ने दिया था, वो क्या सोचा होगा? यही ना सोचा होगा कि ये तो टूटा हुआ जूता है, ये पहनने के भी काम नहीं आएगा, इससे बेटी की क्या होगी? लेकिन अल्लाह का वली देख रहा था, निगाहे विलायत देख रही थी, ये टूटा जूता लेके आए जाएगा, अमीरे खुसरू इसे खरीद कर मालामाल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब देखिए मुरीद, हजरत अमीरे खुसरू ने उस जूते को, हम लोग आप लोग रहते तो क्या करते, उसको किसी झोले में रख लेते, किसी पन्नी में रख लेते, किसी पलोथी में रख लेते। अमीर खुसरू ने झोले में नहीं रखा, पन्नी में नहीं रखा, हाथ में नहीं रखा, उसको अपनी दस्तार में बांधा। जोर से,
उसको अपनी दस्तार में बांधा और दीवानावार वहां से चले हैं दिल्ली के लिए। और चलते चलते पहुंच गए पीर की बारगाह। पीर भी तो लाजवाब था ना, पीर भी तो लाजवाब था ना। हाँ, जब महबूब इलाही की बारगाह में अमीर खुसरू पहुंचे तो अमीर खुसरू ने मुस्कुरा के कहा, खुसरू आ गए? जी हुजूर आ गया। जरा जोर से बोल दें, जी हुजूर आ गया। आ गए बंगाल फतह करके? आ गए जी हुजूर आ गया। क्या मेरे लिए क्या लाया? अब तो बोले, लेकिन इस वक्त बोलते नहीं ताकि पता चला कि सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अब मेरे लिए क्या हुजूर? ये सब कुछ दिया तो आपका, सब कुछ दिया तो आपका है, गुलाम क्या दे सकता है? क्या फिर भी कुछ लेके आए हो इतनी दूर से? उतारा दस्तार, रख दिया सामने, कहा सरकार यही तोहफा लेके आया। देखा टूटा जूता, महबूब इलाही ने पूछा, ये तो मैंने एक गरीब मुरीद को दिया था, तुमने उससे ले लिया? का हुजूर लिया नहीं, खरीदा है। खरीदा है उससे, यूं ही नहीं लिया, खरीद के। कितनी कीमत? का हुजूर 5 लाख सोने के सिक्के। तो अमीर खुसरू ने जब ये कहा तो महबूब इलाही कहते हैं, खुसरू मेरे जूते की इतनी कम कीमत तुमने दी? मोहब्बत देखो, प्यार देखो, इश्क देखो, मेरे जूते की इतनी कम कीमत तुमने दी? आंखें फूट पड़ी, आंखें बरस पड़ी अमीर खुसरू की। कहते हैं सरकार सफर में था, उस मुसाफिर को मैंने अपना पता नोट करवा दिया है कि जब दिल्ली आना तो मुंह मांगी कीमत लेके जाना इस जूते की। आका मैं क्या दे सकता हूँ जूते की कीमत? ये मेरे माशूक का जूता है, ये मेरे महबूब का जूता है। अल्लाह अल्लाह। तो हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं, खुसरू इतना प्यार है मुझसे तुम का हुजूर इससे भी ज्यादा बयान नहीं कर सकता। तो जब जब मुरीद के इश्क को महबूब इलाही ने देखा तो उसी वक्त कहा था, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं और खुसरू एक एक। लेकिन इतना तो नहीं, इतना जरूर फरमाया, जो मेरी बारगाह में आना चाहता है पहले मेरे खुसरू की बारगाह में आए। इसलिए कोई भी शख्स जब महबूब इलाही की बारगाह में हाजिरी देता है, वहां हाजिरी देने से पहले अमीर खुसरू की बारगाह में सलामी पेश करता है, फातिहा पढ़ता है, हाजिरी देता है, तब महबूब इलाही की बारगाह में हाजिरी कबूल हो। समझ रहे हैं? ना ऐसा मुरीद है ना ऐसा पीर। अच्छा, एक मुरीद और दिखलाता हूं। चलिए जरा दिल्ली से अजमेर, बस बात खत्म है, तकरीर खत्म है हमारी। मैं सोच के आया था कि आज लंबी तकरीर होगी हमारी, लेकिन चूंकि वक्त का भी ख्याल करना पड़ता है और हालात का भी ख्याल, ठीक है ना? और वक्त जब जवान हो तो तकरीर भी जवान, और वक्त जब बूढ़ा हो तो तकरीर भी बूढ़ी करनी पड़ती है। समझे ना? अब एक आखिरी बात सुन लें, गुलाम यज़ानी बाबू जलसा कामयाब है आपका? हाँ, दादा मियां ने कबूल कर लिया। मियां काहे इतना टेंशन ले रहे थे बरसात का? मैंने कहा था ना कि बारिश होगी, कहा था ना कि बारिश नहीं होगी जलसा में। देख लो, ये मेरा कमाल नहीं, जिनका जलसा है उनका कमाल। अब फिर देखना कल से कितनी बारिश होती है। आज जलसा हो गया तुम्हारा, अब फिर कल देखना बरसात में ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए तैयार हो। ये रुकी थी बारिश आज ही तक, कल से फिर शुरू है इंशाअल्लाह, गरज के साथ, तूफान के साथ। समझ रहे हैं? घबराओ मत।
सुनना है, टेंशन तो नहीं। ऐसे भी जिसके हाथ में, हाँ, एक हाथ में गौसे आजम का दामन हो, दूसरे हाथ में गरीब नवाज का दामन हो, वो टेंशन कब लेता है? वो तो सबको टेंशन देता है। टेंशन लेने का नहीं इमाम साहब, टेंशन देने का। समझे क्या अरमान हो? सही है कि नहीं? फिक्र वो करे जिसके पास कोई शामियाना नहीं। हमारे पास तो कहीं शामियाना ए कादरी है, कहीं शामियाना ए चिश्ती है, कहीं शामियाना ए सोहरावर्दी है, कहीं शामियाना ए नक्शबंदी है, कहीं शामियाना ए बरकाती है, कहीं शामियाना ए कलीमी है, कहीं शामियाना ए रज़वी है, कहीं अशरफी है, कहीं हबीबी है। सब शामियाने हमारे, जिस शामियाने में चाहेंगे चले आएंगे। समझ रहे हैं ना? तो एक आखिरी बात, बड़ी मजे की बात आ रही है इमाम साहब, भागिएगा नहीं? ठीक है, नहीं नहीं, बस पांच मिनट की बात, बात चुके, इतनी मजेदार है ना आके आप सुनेंगे। देखिए आज जो मजा आया ना तकरीर करने में, हाँ, वो मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से अलग होकर मैंने तकरीर की, ताकि आपको इस वक्त में बात समझ में आ जाए। हो सकता है YouTube पे कोई सुनेगा, कहेगा मौलाना कैसी तकरीर कर रहे हैं, अपने हिसाब से अलग होकर तकरीर कर रहे हैं, कहने दो। लेकिन इस बात की खुशी है कि आपने तकरीर को समझा है। समझ रहे हैं ना? अब फिर कभी हंगामे वाली तकरीर तो हमें भी करनी आती है। हजरत गरीब नवाज जब आए थे ना अजमेर में, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, ताकि नींद भाग जाए आपकी। हजरत गरीब नवाज जब अजमेर आए ना, तो हजरत गरीब नवाज ने खेमा लगाया था, और खेमे से कुछ दूर पर एक गैर मुस्लिम नौजवान रहता था अपनी माँ के साथ। बाहर से पढ़ के आया था तो रहता था, रोजाना असर के बाद गरीब नवाज के खेमे के सामने से, खानकाह के सामने से गुजरता तो देखता कि गरीब नवाज जोर जोर से रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो रहे। एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीन दिन देखा, एक हफ्ता तक देखता रहा, और देखने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ ये मुसलमानों के बाबा को क्या हो गया है? मैं जब जब जाता हूँ उस रास्ते से, देखता हूँ वो बाबा रोता ही रहता है, वो बाबा रोता ही रहता है, बाबा रोता ही रहता है। तो माँ ने कहा, बेटा मुझे क्या पता मुसलमानों का बाबा रोता क्यों है, अगर तुझे ज्यादा फिक्र है तो तू खुद जाके पूछ ले, तू खुद जाके पूछ ले, पूछ लो। जब जब दोबारा जब आया ना, तो देखा कि गरीब नवाज फिर तो चला गया अंदर खेमे में, खानकाह चला गया खानकाह में। अजय कहता, बाबा अजब हाल है, जब देखता हूं रोता रहता है, काहे रोता है, काहे रोता। तो गरीब नवाज ने क्या कहा? पीर की याद आ गई। जरा जोर से बोलो, पीर की याद आ रही है इसलिए रो रहा हूं। तो उस नौजवान लड़के ने, गैर मुस्लिम हिंदू बच्चे ने कहा, बाबा कोई मोहब्बत में भी रोता है क्या? सुने थे गम में रोता है, कोई मोहब्बत में रोता है क्या? कहा तुझे रोना, तुझे रोना है क्या? मोहब्बत में कैसे रोता है? क्या तुझे रोना है? कहा हां। उसके लिए दो शर्त, एक तो कलमा पढ़ के मुसलमान होना होना, और दूसरा मेरे हाथ में मुरीद होना होना। कठी की अम्मी से पूछ के आ जाओ,
गया माँ के पास, अम्मी जान का जब तू चाहता है तो हो जा, माँ ने भी कह दिया ये आया कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अरे बोरिया बिस्तर उठाकर दीन की तबलीग करने वालों, मेरा गरीब नवाज बोरिया बिस्तर लेकर दीन की तबलीग नहीं कर रहा, चेहरा दिखाकर दीन की तबलीग करता। अल्लाह अल्लाह, वो आ गया मुसलमान भी हो गया मुरीद भी हो गया। उसके बाद कहा हुजूर मैं आप ही के साथ अब रहने लगा, खलवत में साथ, जलवत में साथ, सफर में साथ, हजर में साथ, हर लम्हा हर घड़ी खाना भी साथ, इबादत भी साथ, पीना भी साथ, सारी चीजें साथ। एक महीना गुजरे, दो महीना गुजरे, तीन महीना गुजरे, चार महीना गुजरे, और चार महीना के बाद गरीब नवाज ने उस बच्चे से कहा बेटा जी हुजूर तीन दिन की तेरी छुट्टी, तीन दिन की तेरी छुट्टी, घर चला जा। तीन दिन की छुट्टी है, घर चला जाऊंगा। ये भी सोचा कि तीन दिन का मामला है, जाता हूँ घर अम्मी से मिल के आ जाता, टेंशन तो नहीं, तीन ही दिन तो है, चला गया। जो जो शाम हो रही है, सुबह गया था, अब जो जो शाम आ रही है, इसका दिल खल रहा है। शाम हो रही है, बेचैनी बढ़ रही है। शाम हो रही है, बेकरारी बढ़ रही है। शाम हो रही है, सुकून जा रहा है। शाम हो रही है, परेशानी में इजाफा हो रहा है। शाम हो रही है, परेशानियां जन्म ले रही है। बाप बेटी, बेटी बेटे से माँ ने पूछा बेटा क्या मामला है, बेटा क्या मामला है, बेटा क्यों परेशान है, आज तो आया है, तीन दिन की छुट्टी है, तीन दिन रह ले, चला जा मेरे पास से, तो आज ही से परेशान होने लगा, वजह क्या है, वजह क्या है, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कोई वजह नहीं बताया, खामोश है। शाम हो गई, छत पे चला गया, बेकरारी बढ़ती जा रही है। माँ ने खाना ला के दिया, खाना सामने है, रोटी अच्छी नहीं लगती, पानी सामने है, पानी अच्छा नहीं लगता, परेशानी बढ़ती जा रही है। माँ कहती है बेटा क्यों नहीं रोटी खाता, अब बताओ जिसका इकलौता बेटा खाना ना खाए, वो माँ खाना खा सकती है क्या, वो माँ रोटी खा सकती है क्या, उस माँ को पानी अच्छा लगेगा क्या, नहीं, वो पानी न माँ पी रही है न बेटा पी रहा है, खाना न माँ खा रही है न बेटा खा रहा है। उसके बाद हुआ कि नींद आ जाएगी, सुकून मिल जाएगा, लेकिन आधी रात हुई, नींद का नामो निशान नहीं, बेटा सो जाना अम्मी नींद नहीं आती, बेटा सो जाना अम्मी नींद नहीं आती, बेटा सोता क्यों नहीं अम्मी नींद नहीं आती। जब रात आधी गुजरी है तो अब सिसकियां शुरू है, अब रोना शुरू है, आंसू के कतरे निकलना शुरू है, अब सिसकियों की आवाज आई, माँ ने कहा बेटा रोता क्यों है, परेशान क्यों है, तो बेटा कहता है अम्मी याद आ रही है, अम्मी याद आ रही है, बेटा किसकी याद, अम्मी पीर की याद आ रही है, अम्मी पीर की याद आ रही है, बेटा आज ही तो आया है, अभी तो दिन गुजरे हैं, फिर अम्मी बगैर उनके खाना अच्छा नहीं लगता, बगैर उनके पानी अच्छा नहीं लगता, बगैर उनके दुनिया अच्छी नहीं लगती, अम्मी पीर की याद आ रही है। अम्मी सुबह जाइए ना, जाके कहिए मेरे पीर से कि मुझे बुला ले, उनके बगैर नहीं रह सकता मैं। अल्लाह अल्लाह, कहा था ना मोहब्बत में मोहब्बत में रोता कैसे है, आहा, ये दरबारे गरीब नवाज है, ये सुल्तान अल हिंद का दरबार है। माँ आई सुबह सुबह, हुजूर बुला लीजिए उसको, रात भर सोया नहीं, दिन भर खाया नहीं, परेशान है, रो रहा है। गरीब नवाज कहते हैं अभी तो एक ही दिन गुजरा है, अभी एक ही दिन गुजरा है, अभी थोड़ा सा और वक्त गुजरने दो। फिर दिन गुजरा, फिर रात गुजरी, अब माँ फिर आई गई नवाज की बारगाह में, कहा हुजूर मर जाएगा, अब आपकी याद में मर जाएगा।
दीवान की हद से ज्यादा बढ़ गई। अब नहीं आपने बुलाया ना तो वो जान दे देगा अपनी, दुनिया से उसका खात्मा हो जाएगा, रुखसती हो जाएगी। लेके आ गया, मां गई का चल तुझे तेरे पीर ने बुलाया। जिसको खाना नहीं अच्छा लगता वो उठ के बैठ गया, जिसको पानी नहीं अच्छा लगता वो मुस्कुरा रहा है। आहा, एकदम दौड़ते दौड़ते मां को लेकर साथ में जैसे ही पहुंचा है खानकाह के दरवाजे पे, इधर से मुरीद जा रहा है, उधर से पीर आ रहा है, उधर से करीब नमाज, इधर से वो नौजवान लड़का का बीच रास्ते में मुलाकात हुई, गले मिलके दोनों की आंसू, दोनों की आंखें अश्कबार हो गई। पीर की भी मुरीद की भी, इश्क देखो, मोहब्बत देखो, प्यार देखो, अल्लाह अल्लाह। अब सुनिए गुफ्तगु दो मिनट। गरीब नवाज फरमाते, अच्छा बेटा ये बता, खाना नहीं खाया था? क्यों नहीं? हुजूर आपके बगैर रोटी अच्छी नहीं, आपके बगैर पानी अच्छा नहीं लगा, रोटी नहीं अच्छी लगी मेरे बगैर। बेटा तू क्या सोच लिया कि मैं खाया हूं? खा, मुझे भी तेरे बगैर खाना अच्छा नहीं लगा, मुझे भी तेरे बगैर पानी अच्छा नहीं लगा। अच्छा ये बता, सोया नहीं रात में? सोया, नींद नहीं आई? हुजूर आपके बगैर नींद कहां से आती? का तू क्या सोचता है मैं आराम से सोया हूं? तेरे बगैर मुझे भी तो नींद नहीं आई रात भर। अल्लाह अल्लाह। हजरत गरीब नवाज कहते हैं, अब समझ में आया मोहब्बत पे रोना कैसे है। कहो दूर समझ गया मोहब्बत में रोता कैसे इंसान है। जिससे सच्ची मोहब्बत है होती है उसी की याद में रोता है, जिससे सच्चा इश्क होता है उसी की याद में रोता है, जिससे सच्चा प्यार होता है उसी की याद में रोता है। अल्लाह अल्लाह। गरीब नवाज ने समझा दिया, वो बच्चा समझ 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 रहे हैं। इसलिए मेरे भाई पीर से सच्ची मोहब्बत, आला हज़रत फरमाते हैं पीर ढूंढो, जब ढूंढ लो तो अपने आप को बेच दो, और जब बिक गए ना तो अपने पीर को उस जमाने का सबसे बड़ा पीर समझो, ताकि तुम्हें अपने पीर से सच्ची मोहब्बत हो। अब बड़े खुश नसीब हो आप कि आपने अपने आप को बेचा है करबला वाले हुसैन की आल के नाम पर। इसलिए ये बिकना जो है ना नुकसान नहीं देगा, बल्कि ये हमेशा कहेंगे कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल। समझ रहे हैं ना? सरकार मसूद मिल्लत की जात बहुत बाबरकत जात है। मैंने इतना मुखलिस पीर, इतना खुर्द नवाज पीर, इतनी शफ़क़त करने वाला पीर, इतना प्यार करने वाला पीर, दूर दूर तक लोग नजर नहीं आते। और क्यों ना हो, नबी के घर वाले ऐसे ही होते हैं। कैसे होते हैं? खुद नहीं खाकर औरों को खिलाने वाले कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने। इसलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हुजूर मसूद मिल्लत की उम्र पाक को खैर के साथ लंबी फरमाए, उनको उम्र खिजरी अता फरमाए, क्योंकि उनसे दीन का बहुत बड़ा बड़ा काम होना है। मिल्लत का बहुत बड़ा काम है। उनको सेहत और सलामती के साथ अल्लाह इस दुनिया में रखे, ताकि हम हमारा और आपका पूरी मिल्लत का भला हो। समझ रहे हैं? अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, और सरकार दूल्हा मियां के फैजान को आम से आम तर फरमाए,
और जितने बच्चों ने ये उर्स पाक की महफिल सजाई है, अल्लाह ताला सबकी इस नजराने को कबूल फरमाए।